भी आना चाहता है उसको अपने देश में बुलवा लिया जाए, और जो लोग भी बिहार के हैं जहाँ कहीं भी वो केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे वहाँ से उनको अपने घर तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है, वो कर देगी। अभी कुछ लोग आए ना जी, आज ही सुबह में भी फिर आने वाले हैं, जितना भी बाहर से आ रहा है सबको घर तक हम लोग पहुँचवा देंगे। यूक्रेन में फंसे बिहार वासियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। सीएम ने कहा कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी को वापस घर पहुंचाया जाए, बिहार के सभी बच्चों को बिहार लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत पहुंचने के बाद उन्हें बिहार लाना और उनके घर तक पहुंचाने का सारा खर्च राज्य सरकार करेगी, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आना चाहता है उसको अपने देश में बुलवा लिया जाए, और जो लोग भी बिहार के हैं जहाँ कहीं भी वो केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे वहाँ से उनको अपने घर तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है, वो कर देगी। अभी कुछ लोग आए ना जी, आज ही सुबह में भी आने वाले हैं, जितना भी बाहर से आ रहा है सबको घर तक हम लोग। संख्या चिन्हित की गई है सर? देखिए जितने लोगों की खबर आ रही है सबका खबर दे करके, और जो भी वहाँ से इच्छुक रहेगा उन सब लोगों के लाने का तो पूरे देश के लोगों का भारत सरकार कर ही रही जी। और अपने बिहार वाले भी आ जाएंगे, और जहाँ भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे वहाँ से उनको बिहार लाना और उनके घर तक पहुँचाना, ये हम लोग नीचे इंतजाम कर चुके हैं, यहाँ वो किया जा रहा है। और सब लोगों के प्रति हम लोगों की सहानुभूति है। अब वो देखिए वहाँ का जो भी स्थिति होती है अलग, लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ने गया है वहीं पर रहता है तो अगर उसको इस तरह की दिक्कत हो तो हम लोग तो जरूर चाहेंगे वो तो किसी प्रकार की कठिनाई से न गुजरे, तो इसीलिए हम लोग उसमें लगे। यूक्रेन में फंसे बिहार के बच्चे रविवार को पटना पहुंचे। दिल्ली से 8:50 पर आई फ्लाइट से उतरे 7 बच्चों का स्वागत करने के लिए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पटना से संजीव की रिपोर्ट।